रुक, हो रहा है तेरा। तो भाई ये तो बोल दी टैं टैं, फिर क्या हुआ? तो ये तो सुनी वो बिल्ली ने, बिल्ली सुनी और थोड़ी दूर वो दौड़ के गई। अब टैंटा फिर से अपना पूजा पूजा में लग गई, लेकिन वो बिल्ली बहुत दूर नहीं गई, वो फिर से खड़ी हो गई, चुपचाप देखने लगी और फिर बोलने लगी म्याऊ। जैसे वो कहने लगी मुझे देखो ना, मेरे तरफ आओ और फिर मुझे भगाओ ना, मुझे देखो। तो पूजा मत करो, पूजा करते हुए नहीं, मुझे देखो और मुझे बोलो। क्या और करे, टैटा तुलसी जी के मंदिर में अपना पूजा ख़त्म की और फिर उस बिल्ली को जब देखी कि वो अभी भी रुकी हुई है और उसको देखकर म्याओ करके उसको ऐसे ही बोल रही है, तो अपनी फूलों की जो डाली है, जो जो खाली है अभी, उसको लेकर उस बिल्ली के तरफ भागी और बोले रुक, तेरा हो रहा है। फिर क्या हुआ, तभी ऐसे बोली जब, तब जाकर दीवार से कूदकर बगीचे के अंदर से गेट के आजू बाजू जो थोड़ा सा खाली जगह था, वहाँ से वो रास्ते में चली गई। ये घटना क्या सिखाई उस नन्ही सी जीव ने, टैटा को ये समझा पाई कि तुम्हारी डांट भी मेरे लिए प्रयोजन है, तुम अगर नहीं डांटती हो तो तुम्हारे घर के ऊपर से जाने का मजा ही चली जाती है मेरे। ठीक वैसे ही उस नन्हे सी जीव ने टैटे को ये भी समझा दी कि ये पूरे जो ब्रह्मांड है, तुम्हारे चारों तरफ कितना कुछ बिखरे हुए हैं जो तुम्हारे मन को आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा है और जो तुम्हारे मन को निर्मल आनंद से संपूर्ण करने की क्षमता रखती है। तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा समय देना है। म्याओ, मेरे तरफ थोड़ा सा देखो तो, थोड़ा सा समय तो दो। म्याओ। तो आज के लिए यहाँ तक ही। अब कैसे इन सारे प्राणियाँ, इन सारे जीव हमारे साथ अपना आत्मीयता बना लेते हैं हमें क्या पता, हमें पता भी नहीं चलता है कब वो लोग हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाते। जब हमारा मन जुड़ जाता है, ठीक जैसे म्याओ। तो आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं, टाटा।